नमस्कार, गुट्टी की पोटली यूट्यूब में आपका हार्दिक स्वागत है। इस समय आप देख रहे हैं यूट्यूब पर गुट्टी की पोटली। आज मैं आपके लिए डिजाइनर फंदों का वीडियो लेकर आई हूँ। डिजाइनर फंदे बनाने बहुत आसान है। दोनों फंदों में केवल एक ही स्टेप का फर्क है, ये फंदे पेयर में बनते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए अब हम फंदे डालना शुरू करते हैं। डिजाइनर फंदे बनाने के लिए सबसे पहले हम अपने धागे को डबल कर लेंगे। अपने फंदों के अनुसार धागे की लंबाई एडजस्ट करेंगे और फिर दूसरी साइड के किनारे को इसके साथ ऐसे पकड़ लेंगे। सबसे पहले हम एक सिंपल सी नॉट लगाएंगे। इस फंदे में हम अपनी सिलाई ले लेंगे। अपने सिंगल धागे को हम पैर के अंगूठे में लपेट लेंगे। अपने धागे को टाइट करते हुए पैर पर मैंने अपने धागे को लपेटा हुआ है। अब यहाँ से हम अपने धागे को बिल्कुल खींच के रखेंगे। ये जो हमारे चार धागों वाला हमने एक धागा बनाया है, उसको हम उल्टे हाथ में पकड़ लेंगे और एक लूप बना लेंगे। अपनी उंगली, दो उंगली और अंगूठा ऐसे लेकर एक बार हम ऐसे घुमा लेंगे। एक बार हमारा ये धागा ऊपर की तरफ आएगा और अपनी इस उंगली से हम इस धागे को ऊपर कर लेंगे और सिलाई के ऊपर ले लेंगे। इस तरीके से सिलाई पर और इसको छोड़ देंगे और इस धागे को हम जोर से अच्छे से खींच देंगे। फिर से इस धागे को उल्टे हाथ में पकड़कर सेम पहले की तरह दो उंगली और एक अंगूठा, इस बार हम इस तरीके से घुमाएंगे तो हमारा ये वाला धागा जो है ये नीचे की तरफ चला जाएगा। एक बार धागा ऊपर आएगा, एक बार नीचे आएगा, बाकी हमारा सारा मेथड सेम है। उंगली से हम धागे को उठाएंगे और अपनी सिलाई पर ले धागा छोड़ देंगे और इधर वाले धागे से हम इसको जोर से खींच देंगे। खींचेंगे जोर से ही, फिर से धागे को उल्टे हाथ में पकड़कर दो अंगुली और अंगूठे को ऐसे ले जाते हुए एक बार ऐसे, एक बार क्लॉकवाइज, एक बार एंटी क्लॉकवाइज, एक बार धागा ऊपर आएगा और एक बार हमारा धागा नीचे जाएगा और इस उंगली से इस धागे को हम उठा लेंगे। उठाकर अपनी सिलाई को ऐसे डाल, धागे को छोड़कर जोर से धागे को खींच देंगे। फिर से बिल्कुल सेम मेथड है, कोई भी फर्क नहीं है, बस एक बार हाथ क्लॉकवाइज, एक बार एंटी क्लॉकवाइज। और इसको हम जोर से खींच देंगे।
दो फंदे बन गए। फंदे हमारे पेयर में बनते हैं। फिर से पहले लूप बना लेंगे उल्टे हाथ में पकड़कर। इस बार हमको क्लॉकवाइज घुमाना है और इस धागे को हम पकड़ के ऊपर कर लेंगे। इस धागे को पकड़कर इस बार हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। धागा सेम तरीके से पकड़ेंगे, ऊपर ले आएंगे, सिलाई पर लेकर छोड़ देंगे। बहुत सिंपल तरीके से फंदे डल जाते हैं। एक बार लूप बनाकर एक बार क्लॉकवाइज धागा पकड़ा, ऊपर कर लेंगे और सिलाई पर ले लेंगे। धागे को छोड़ देंगे और खींच देंगे। इस बार हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे हाथ को। अब मैं आपके सामने यही फंदे अपनी नॉर्मल स्पीड से डाल रही हूं। आसान तरीका है और बहुत जल्दी डल जाते हैं और बड़ी सफाई से फंदे डलते हैं। बस आपको धागे को, दोनों धागों को खींच के रखना है, सिंगल धागे को भी खींच के रखना है और चौहरे धागे को भी खूब खींच के रखना है। एक बार क्लॉकवाइज, एक बार एंटी क्लॉकवाइज और आखिर में हम एक फंदा बनाएंगे। पहले मैं थोड़े से फंदे बना लूं, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। एक बार पेयर में फंदे बनाने के बाद एक फंदा हम एक्स्ट्रा बना लेंगे। फंदे बन गए हैं। अब मैं आपके सामने एक सिलाई बनाकर दिखाती हूं। फंदे डालने के बाद सिलाई बनानी बहुत आसान है, ऐसा नहीं है कि हमारे फंदे बनने के बाद सिलाई ना बने। इसी तरह से बनाते हुए पहले हम ये एक रो कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर हमने अपनी सारी सिलाई कंप्लीट कर ली है। ये हमारा किनारे का फंदा। एक बार हमने फंदे डालने के बाद एक सिलाई बना ली है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अगर बहुत अच्छा लगा हो और यूज़फुल लगा हो, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। जल्दी ही मिलेंगे गुड्डी की पोटली में।